चंचुला देवी। महाराज बिंदुक का पावन चरित्र है। और ध्यान रखिए, बहुत जरूरी ध्यान रखना है अपने को। किस चीज का? आजकल गाड़ी चलती है रक्तदान करो, बोलो चलती कि नहीं चलती? खूब करो, मना नहीं है। रक्तदान करना अच्छी बात है, करना चाहिए। किसी के शरीर का ही अपना रक्त किसी के काम आए, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। रक्तदान करो, खूब करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का दिल दुखाकर किसी का रक्त चूस लो, ये भी हमारा शास्त्र नहीं कहता। और शास्त्र कहता है रक्तदान करो, खूब करो। एक रक्तदान वो भी होता है कि किसी भूखे को भोजन कराकर उसके चेहरे पर स्माइल ला देना, कोई अनाथ है उसका भरण पोषण कर लेना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, उसका खून बढ़ जाए, रक्त बढ़ जाए। इससे बढ़कर दुनिया में कोई रक्तदान नहीं हो सकता। इससे बढ़कर दुनिया में कोई रक्तदान करो। सेवा कर, सेवा तू लगन लगाकर मन में सच्चा भाव करो। महाराज शिव कथा कर रही है, बाबा की कथा वर्णन करती है। चंचुला बिंदु चोरी कर कर धन लाता है। एक दिन पानी में डूबकर मर गया, प्राण छूट गया, मर गया, प्रेत योनि में चले गए। चंचुला देवी ने भगवान का स्मरण किया, काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। काशी में जाकर भगवान शिव की पावन कथा को सुना। उसका फल ये मिला कि चंचुला देवी कैलाश धाम पहुंच गई, और कैलाश पर जाकर चंचुला देवी ने भगवान शंकर के आनंद में तुम्रुका जी से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, भगवान शंकर की पावन कथा को श्रवण। और उसका फल यह हुआ कि चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया था, देव योनि में आ गया था, और चंचुला बेदव्य होने के बाद भी अखंड सौभाग्यवती हो गई थी। ये शिव कथा, ये शंकर भगवान की पावन कथा कहती है। जिस कामना से, जिस कार्य से हम शंकर भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं, बाबा हमारी वो कामना मात्र 3 महीने में पूर्ण कर देते हैं। ये शिव कथा, हम जो कथा का रस आस्वादन करते हैं वो सुनता है। ऐसी बिंदु और चंचुला का पावन चरित्र कथा का वर्णन आता है। भगवान शिव और पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर आनंद पाते हैं। कथा तो पूरी 3 घंटे चलना थी, पर 15-20 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। और कथा 1 बजे से 4 बजे तक होना थी, पर प्रभाव आया ऊपर से, बार बार दबाव आया, तो कथा 11:30 बजे चालू कर कर विराम कर रहे हैं। ये 2:15 पर आप लोगों के भाव आनंद से ये कथा, आप अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को रुद्राक्ष नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये रुद्राक्ष आप अपने मोबाइल से हमारे नंबर पर या तो मैसेज करना तब भेजेंगे, या मौका मिलेगा तो किसी तीर्थ में। वैसे तो हरिद्वार के लोगों ने सूचना कर दी है, पर बाबा चाहेगा किसी तीर्थ में फिर ऐसा ही कुंभ का मेला लगेगा, फिर रुद्राक्ष वितरण होगा। मेरा बाबा आपके साथ में रहे, हर पल रहे, हर घड़ी रहे, हर क्षण रहे, मेरे बाबा से यही निवेदन करता हूँ। आप लोग बहुत खर्चा कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, क्षमा चाहता हूँ। मेरा मन तो था कि व्यासपीठ से नीचे उतर के शीश नवाकर आपसे क्षमा मांगूं, क्योंकि इतना खर्च कर कर आप लोग पहुँचे हैं। और लोग तो अपने नगर में पलक पावड़े बिछा कर बुलाते हैं, शायद मेरे जैसा पापी होगा जो मैं आपको वापिस भेज रहा हूँ, शायद मैं वापिस भेज रहा हूँ। क्षमा चाहूंगा,
कुछ दवाओं के कारण ये कथा आज यहाँ विराम ले रही है। पहले दिन की कथा थी, विराम लेती है। प्रयास करूंगा आप सब जाएंगे, अगर यहाँ खाली हो जाएगा तो आस्था चैनल पर जैसे ऑनलाइन पहले बातचीत है इसको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। आप टीवी पर सुन लेना और अपने अपने घर पर जाकर सुन लेना। आज की कथा को मैं विराम देता हूँ। क्षमा चाहूंगा जीजियों, मेरी बहनें आई हैं, मेरे माता पिता आए हैं, मैं क्षमा चाहूंगा। कहने में कुछ त्रुटि हुई हो तो बार बार क्षमा चाहता हूँ। एक बार आपसे इजाजत मांगकर व्यासपीठ से आपको नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से आप लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, कहीं बंगाल से, कहीं उत्तराखंड, ना जाने कहाँ कहाँ से आए हैं। क्षमा बार बार आप लोगों से मांगता हूँ कि कुछ हो सकता है कि बाबा जो रखा है, मेरा निवेदन है, आंसुड़ा ना ढलकाइए, आप लोग अच्छे से जाइएगा, ठीक है। बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर हाँ।